हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रोस्पॉन और कॉल स्पॉन की। तो रोस्पॉन और कॉल स्पॉन की मैंने अलग अलग वीडियोस बना रखी हैं, आप देख सकते हैं उसको। तो रोस्पॉन कॉल स्पॉन काम एक ही करता है, दोनों सेल्स को मर्ज कर देते हैं। अब वर्टिकली या फिर हॉरिजॉन्टली, रो या फिर कॉलम में मर्ज करते हैं, ये अलग अलग काम है रोस्पॉन का कॉल स्पॉन का। आप सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो रोस्पॉन होता है, जो शुरुआत में वर्ड होगा उसका उल्टा करेगा, मतलब कि जो रोस्पॉन होगा वो कॉल्स करेगा, कॉलम को मर्ज करेगा। मतलब यहाँ देखिए रो है तो रो का उल्टा क्या होगा, कॉलम, तो एक कॉलम को मर्ज कर देगा। अब बात आती है मर्ज करने का क्या मतलब है। मर्ज करने का मतलब है कि जोड़ देना, ठीक ना। तो देखिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो बहुत अच्छी बात है, क्यों, क्योंकि हम ही लोग इसीलिए आपको ये सिखाते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, एक अच्छी टेबल बना लेते हैं। तो देखिए, मैंने एक टेबल बनाए रखी है, नॉर्मल टेबल है, आप लोगों को सब पता होगा। देखिए, कंट्रोल प्रोसेस से जब मैं इसको सेव करूँगा और खोलूँगा तो ये एक मेरी टेबल बनी हुई है, ठीक ना। ये टेबल मैंने बनाई है, एक नेम, मार्क्स, रोल नंबर, हार्दिक 93.2%, जयंत 91%, सूर्यांश 90%, 1, 2, 3। ये मैंने आपको मार्क्स बताने के लिए नहीं बताई है, आप लोगों को अगर दिख ना रहा हो, क्योंकि टेबल में बहुत छोटा आता है। इसकी मैंने अलग एक वीडियो बनाई है कि अगर टेबल को आपका फॉन्ट बड़ा करना है तो कैसे करते हैं, वो आप देख लीजिएगा बाद में। तो अभी आप इसकी बात करिए, तो इसमें अगर मर्ज करना है, देखिए यहाँ पर हार्दिक लिखा हुआ है और हार्दिक के नीचे लिखा हुआ जयंत। अब हम चाहते हैं कि हमें यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ लिखनी है, और अगर हम दूसरी चीज़ नहीं भी लिखते हैं तब भी हार्दिक एक ही बॉक्स में रहता है, छोटे वाले बॉक्स में, हम चाहते हैं दोनों मिल जाए, तो ये कॉल स्पॉन या फिर रो स्पॉन से पॉसिबल है। अब आप सबसे पहले देख लीजिए क्या है, हार्दिक और जयंत क्या है, ये वाला एक रो आ रही है, रो नहीं, ये क्या आ रहा है, एक ये एक आ रहा है कॉलम। तो कॉलम किससे मर्ज होता है, उसके उल्टे से, मतलब कि रो स्पॉन से मर्ज होता है। तो अभी हम रो स्पॉन करके देखते हैं कैसे लगता है। ये हमेशा TD में ही लगेगा, ओके। तो आपको हार्दिक वाले को जोड़ना था तो आप हार्दिक वाले के पास जाइए, जो हार्दिक वाला TD है, ये देखिए ये रहा TD हार्दिक वाला, ओके। तो आप इसके TD पर लिखेंगे सिंपली टैग के अंदर ROWSPAN रो स्पॉन इक्वल 1 लिखेंगे, तो 1 का मतलब एक ही, तो इससे कोई फ़ायदा होगा नहीं, 2 लिखेंगे, मतलब ये और इसके नीचे वाला कॉलम मर्ज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो रो स्पॉन होता है वो कॉलम्स को मर्ज कर देता है। कंट्रोल प्लस एस से हमने सेव कर दिया, हम क्रोम में गए, हमने रिफ्रेश किया, तो देखिए जो जयंत इसके नीचे लिखा हुआ था उसको तो हमने हटाया नहीं, इसलिए वो बगल में आ गया। जो जयंत के आगे लिखा था वो उसके बगल में आ गया, और जो उसके आगे लिखा था वो उसके बगल में आ गया। तो हमें इसमें नहीं फोकस करना है, हमें किस में फोकस करना है, इस पर। देखिए यहाँ पर ये मर्ज हो चुका है, ओके। तो ये काम होता है रो स्पॉन से, कॉल स्पॉन से उल्टा होता है, मतलब कि उसमें कॉलम्स मर्ज हो रहे हैं, इसमें रोज मर्ज हो जाएंगे, ठीक ना। तो आप ये बात अच्छे से जान लीजिए कि जो कॉल स्पॉन होता है और जो रो स्पॉन होता है वो उल्टा काम करता है, मतलब कि यहाँ पर अगर कॉल लगा है, कॉलम्स मतलब, तो ये रोज़ को मर्ज करेगा, ये किसको मर्ज कर देगा, रोज़ को, उल्टा चलता है। और ये रो शुरुआत में है, इसका मतलब ये किसको मर्ज करेगा, कॉलम्स को मर्ज करेगा। आपको वो पता है ना सिंटैक्स क्या होता है। देखिए, जो सिंटैक्स का मतलब होता है किसी का कॉमन मेथड, उसको कैसे यूज़ करना है, कॉमन फॉर्मेट। जैसे HTML का आपको फॉर्मेट लर्न होगा, HTML head/head/title/title body/body/HTML, ये इस तरह होता है ना। तो इसी तरह यहाँ पर भी होता है, इसका जो सिंटैक्स होता है क्या, सिंटैक्स दोनों का, क्यों, काम तो वही करते हैं ना, और दोनों लगते हैं उसी के साथ, किसके साथ, TD के साथ। तो आप नॉर्मली क्या लगाओगे, TD, और उसमें आप लिख दोगे रो स्पॉन इक्वल, आपको जो नंबर लिखना आप वो लिख दीजिए, ठीक ना। अगर कॉल स्पॉन करना चाहते हैं तो कॉल स्पॉन कर लीजिए, चाहे रो स्पॉन कर लीजिए, चाहे कॉल स्पॉन कर लीजिए, ठीक ना। इसका मतलब होता है जो आपका है, समझने के लिए, स्पैन का मतलब होता है मर्ज होना, ये मैंने क्वेश्चन मार्क से लिख दिया, क्योंकि आप कोई भी नंबर कर सकते हैं, ओके। तो फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा, ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। कॉल स्पॉन की अगली वीडियो आपके थोड़ी देर बाद बगल में लिंक आ जाएगा नेक्स्ट पार्ट का, आप उसे देख लीजिए, ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।